ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से गणपति हो रहे हैं विदा। जी हाँ, निर्माता राजन शाही हर साल सेट पर गणपति की स्थापना करते हैं, इस बार भी की गई थी और वो भी इको फ्रेंडली। कई प्रकार की दालों से बने हुए गणपति, 7 दिनों तक गणपति पापा की पूजा सेवा करने के बाद पार्थिव गणपति के विसर्जन का वक्त आ गया, जिसे सेट के सभी सदस्यों ने विधि पूर्वक निभाया। हम उनको अपने घर में रख रहे हैं, हम उनके घर में रह रहे हैं एक्चुअली, और ये खुशी की बात है कि 9 साल से हमारे सारी यूनिट, हमारे सारे टेक्नीशियन, हमारे सारे वर्कर्स एक साथ मिलते हैं और ये सेलिब्रेशन करते हैं, तो अच्छा लगता है। आई थिंक हमारे उनकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं पप्पा की, और ये जो हमारी यूनिट, हमारे वर्कर्स का जो प्यार है, इसी से ही हमारे एक्टर्स सबको बरकत मिलती है और शो चलता रहता है। हमको तो पप्पा के इस बार आने से पहले एडवांस में आशीर्वाद मिल गया, हम तो बहुत दिन से नंबर वन चल रहे हैं, अभी मुझे लगता है और वीकली और जितने जॉनराज उनमें भी नंबर वन होने वाले हैं इस बार आशीर्वाद से। हम लोग बहुत मिस करेंगे, हम आज विसर्जन होने वाला है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हम रोज आरती करते हैं सुबह और शाम। गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति को विदा करने के लिए सजाए गए खास टेम्पो में गणपति जी को बिठा दिया गया और हो गए गणपति बप्पा विदा। अगले बरस फिर आने की प्रार्थना करके ये रिश्ता क्या कहलाता है के सभी कलाकारों ने बप्पा को श्रद्धा पूर्वक विसर्जित कर दिया। ये बार इको फ्रेंडली जो मूर्ति है वो दाल की बनी है, दाल की, तो क्या होगा कि जब ये विसर्जन होगा तो फिशेज इसे खा सकती हैं, तो विभिन्न प्रकार की दालें हैं इसमें, पल्सेस हैं, तो बहुत ही यूनिक आइडिया था ये बार पूरी प्रोडक्शन और क्रिएटिव टीम का। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।